महाराष्ट्र की सियासत में पवार फैक्टर ने सबको कंफ्यूज कर रखा है। चाचा भतीजे की जोड़ी में कौन कब क्या कह दे, क्या खेल कर दे, इसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उलझाने का काम करते हैं मौजूदा भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। अजीत पवार को लेकर शरद पवार ने कहा था कि वो भी हमारे नेता हैं और पार्टी में कोई टूट नहीं है। अटकलें लगी कि शायद अजीत पवार की वापसी तय, लेकिन तब तक सीनियर लीडर ने फिर यू टर्न लिया और कहा कि अजीत पवार को एनसीपी में आने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये खबर तो हमने आपको बताई ही थी, इसमें नया क्या है? तो इस पवार फैक्टर में नया मोड़ यह है कि शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान दिया जो एक बार फिर से लोगों को असमंजस में डाल रहा है। राज्य में एक कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री से शरद पवार और अजीत पवार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने जवाब से सबको चौंका दिया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, शरद पवार जो बोलते हैं उसका अर्थ उल्टा होता है। अजीत पवार को जो पसंद है वो धीरे धीरे शरद पवार को भी पसंद होगा। कल ही मैंने देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सुबह कुछ बोला और दोपहर को उन्होंने अपना बयान बदल दिया। शरद पवार जब भी कहते हैं उनका अर्थ दूसरा ही निकलता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से देश की प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं, देश को महाशक्ति की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया है। एकनाथ शिंदे ने बड़े आत्मविश्वास के साथ ये बयान दिया है जिसके बाद फिर से अटकलों का दौर जारी है। सीएम के बयान से तो लग रहा है कि भाजपा शरद पवार को अपनी तरफ करने में जल्द ही सफल हो जाएगी, लेकिन शरद पवार अपने बयानों से किसी को इसकी हवा नहीं लगने देना चाहते। तो क्या महाराष्ट्र की जनता और एनसीपी के समर्थकों को आने वाले दिनों में कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है? हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि शरद पवार और अजीत पवार ने अभी तक किसी भी मंच से एक दूसरे पर निशाना नहीं साधा है। अजीत पवार की बात करें तो उन्होंने रविवार को बारामती में सभा करते हुए एक तरफ प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की तो दूसरी तरफ अपनी बैठक और मुलाकातों को लेकर सफाई दी कि ये सब राज्य के विकास के लिए की गई बैठकें हैं। जाहिर है अजीत पवार ने चाचा से हुई बैठकों को लेकर ये बात कही होगी। बारामती में अजीत पवार ने कहा, देश का नेतृत्व मोदी जी के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता है। फडणवीस काम को मंजूरी दें, मैं निधि देता हूं। मुख्यमंत्री शिंदे का काम हल्का करने के लिए मीटिंग करता हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री को इससे कोई परेशानी है। सौभाग्य से राज्य के तिजोरी की चाबी हमारे पास आई है। मैंने ये निर्णय क्यों लिया ये महाराष्ट्र की जनता को मालूम होना चाहिए, इसलिए आने वाले समय में और भी सभाएं करनी पड़ेंगी। अजीत की बीड़ में होने वाली सभा में उनके गुट के 9 मंत्री भी मौजूद रहेंगे। क्या अजीत पवार इन सभाओं में चाचा शरद पवार को लेकर कोई बयान देंगे या फिर मंच से चाचा के खिलाफ कुछ बोलेंगे? फिलहाल तो सीएम शिंदे के बयान ने ही सबको चौंका दिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।